Hello everyone, welcome back to my channel Literary Grammar with Aditi. Today we are going to learn some daily useful English sentences which parents can use with their children for better command on English language, and that we will do with the help of our native language Hindi. So without wasting much time, let's start our today's lesson. And this is the first lesson of spoken English class, so please appreciate, share, like and subscribe to my channel. To chaliye sentences dekhte hain. Our first sentence is अपना खाना खत्म करो. तो हम इसको बोलेंगे फिनिश व्हाट्स ऑन योर प्लेट. फिनिश व्हाट्स ऑन योर प्लेट. और फिनिश एवरीथिंग ऑन योर प्लेट. फिनिश एवरीथिंग ऑन योर प्लेट. और इसका बहुत ही सिंपल वे होगा फिनिश योर प्लेट. फिनिश योर प्लेट. आई सजेस्ट इफ यू आर ऑन इनिशियल लेवल ऑफ लर्निंग इंग्लिश तो आप इसको यूज करिए, बिकॉज स्मॉल सेंटेंस है और ईजी भी. तो अगर आप इसको अपने बच्चे के साथ यूज़ करेंगे तो वो कैच भी कर पाएगा और आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव होने में हेल्प होगी. जितना छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बोलेंगे उतना ज़्यादा बेटर है इनिशियल लेवल पे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक से खाओ. ईट प्रॉपरली. ईट प्रॉपरली. ये आपको कई बार ज़रूरत पड़ सकती है बोलने की, एज चिल्ड्रन आर नॉटी एंड दे ऑलवेज स्प्रेड फूड ऑन द फ्लो एंड मेस्ड अप देयर हैंड और माउथ. तब हम बच्चों को बोल सकते हैं ईट प्रॉपरली. नेक्स्ट, खाना क्यों छोड़ा, खत्म करो. वाई यू हैव लेफ्ट फूड ऑन योर प्लेट. फिनिश इट. वाई यू हैव लेफ्ट फूड ऑन योर प्लेट. फिनिश इट. नेक्स्ट, खाने के साथ मत खेलो. डोंट प्ले विथ फूड. डोंट प्ले विथ फूड. चौकड़ी मारकर बैठो. सिट क्रॉस लेग्ड. सिट क्रॉस लेग्ड. नेक्स्ट, अपनी किताब मत मोड़ो. डोंट फोल्ड योर बुक. डोंट फोल्ड योर बुक. अनदर वन, अपने कपड़े बदलो. चेंज योर क्लोथ्स. चेंज योर क्लोथ्स. नेक्स्ट वन, ये कई बार हम अपने बच्चों को ब्रश करा रहे होते हैं, जब हम उनको सिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. कुल्ला कर लो या कुल्ला करो. रिंस योर माउथ. रिंस योर माउथ. अनदर वन, भागो मत, गिर जाओगे. स्टॉप रनिंग, यू विल फॉल. स्टॉप रनिंग, यू विल फॉल. इधर उधर मत भागो. डोंट हॉर्सिंग अराउंड. Don't horsing around or don't run around. Don't run around. इसमें I'll suggest कि आप don't horsing around को use करें. इसको बोलने में थोड़ा सा smart approach आ जाता है और काफ़ी अच्छा sound करता है. Next one, मुझे परेशान करना बंद करो. Stop bugging me. Stop bugging me. Bugging means परेशान करना. तो ये एक बहुत ही प्यारा सा word है. जब भी आपको आपके बच्चे परेशान करते हैं तो आप उनको बोल सकते हो stop bugging me. नेक्स्ट वन, अब आप अपने बच्चे से पूछ रहे हो या बोल रहे हो कि तुमने अपनी बुक कहाँ रखी है, आपने अपनी बुक कहाँ रखी है, नहीं मिल रही. कई बार बच्चे इधर उधर चीज़ें रख देते हैं तो हम उससे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं. तो इसको हम बोल सकते हैं वेयर यू कैप्ट योर नोटबुक, इट्स मिसिंग. वेयर यू कैप्ट योर नोटबुक, इट्स मिसिंग. तो आपको जो भी चीज़ नहीं मिल रही है आप उसको यूज़ करके सेंटेंस को बोल सकते हो. तो गाइज ये थे कुछ सेंटेंसेस जो आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो. और भी इसी तरह के सेंटेंसेस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वंस अगेन एक स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू लिटरेरी ग्रामर विद अदिति. थैंक्स फॉर वॉचिंग.